उपयोग में लाया था उस पर उनकी नजर गई। इतवारी दरवाजा नए नए स्वयंसेवक भर्ती करने के कारण छोटा पड़ने लगा। वहाँ बहुत टूट फूट हो चुकी थी। डॉक्टर स्वयं साफ सफाई का काम करते। फिर इनके साथ नए नए स्वयंसेवक भी रहने लगे। अप्पा सोहनी ने नई आज्ञाएं बनाई। शाखा में सावधान और दक्षता प्रयोग किया जाने लगा। इन शारीरिक कार्यक्रमों के अंत में प्रार्थना होने लगी। नमो मातृभूमि जिथे जन्म लोमि, नमो मातृभूमि जिथे जन्म लोमि, नमो हिंदु भूमि जिथे वाढलोमि, नमो हिंदु भूमि जिथे वाढलोमि, नमो धर्म भूमि जिये चात्कामि, नमो धर्म भूमि जिये चात्कामि, परो देह माधा सदा दीनमिमि। 1930 में नागपुर में दंगे भड़क उठे। कई लोग मारे गए। उस फसाद में एक व्यक्ति भागा जा रहा था। तभी कहाँ भागे जा रहे हो? हमें मारा जा रहा है। मारा जा रहा है तो भाग क्यों रहे हो? क्या करूं? मैं अकेला हूँ कि भावना कितनी आत्मघाती तथा हास्यास्पद है। उनका मन कहता था कि हिंदू के मन में यह धारणा है कि मैं अकेला हूँ। यही उनकी भीरुता का कारण है। यदि सामूहिक जीवन के व्यवहार से इस व्यवहार को दूर किया जाए तो हिंदू समाज का खरा पुरुषार्थ एवं पराक्रमी स्वरूप अपने आप विश्व के सामने आ जाएगा। 12 मार्च 1930 को नमक का कानून तोड़ने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। वहाँ से उन्होंने नमक उठाया। एक आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर देश में ये आग फैल गई। जगह जगह अलग अलग कानून तोड़े जाने लगे। बापूजी आणे ने मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किया। 21 जुलाई 1930 में यवतमाल के निकट वन में डॉक्टर साहब ने ब्रिटिश सरकार का आदेश तोड़ा, जंगल सत्याग्रह किया। तो इतने सारे लोग जमा हो गए हो तुम लोग? उठाओ रोटिया, रुकाओ। क्या तुम्हारे पास अनुमति पत्र है? नहीं तो? तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो चलो। उन्हें जेल में डाल दिया गया और 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा दी गई। मगर वे कारागार में भी बहुत खुश थे। 14 फरवरी को उन्हें रिहा कर दिया गया। रुको, लड़ना, झगड़ना, दलबंदी करना, इसी से हमारे देश की यह दुर्गति हुई है और इसे रोकने के लिए ही संघ का निर्माण हुआ है। हम आपस में कभी ना झगड़े। संघ किसी एक का नहीं, समूचे भारत देश का है। दीवार की ईंट कभी बाहर की ओर ना गिरे। ।1934 में वर्धा में जमनालाल बजाज के बाग में संघ का शिविर लगा था। शिविर की व्यवस्था, अनुशासन और स्वयंसेवकों का गणवेश देखने महात्मा गांधी स्वयं वहां आए थे। वहां वे अप्पाजी जोशी से मिले और उनसे पूछताछ की और पूछा, आप स्वयंसेवकों को उनकी जात नहीं पूछते? जी नहीं, हम कुछ नहीं पूछते। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये गणवेश तुम्हें किसने दिया? ये हमारा निजी है, हमने अपने लिए सिलवाया। सिलवाने के पैसे किसने दिए? हमारे माता पिता ने। यहाँ का रहने का और भोजन का खर्च हम स्वयं करते हैं। इतना खर्च करते हो, तुम्हें क्या लाभ होता है? वो मैं नहीं बता सकता। अपने देश के लिए सब काम मिलकर करना, यही भावना हमें आनंद देती है। तुम कौन हो? मैं हिंदू हूँ। किस जाति के? मैं ब्राह्मण हूँ। और तुम? मैं नारी हूँ। क्या तुम सब एक ही साथ रहते हो? हाँ जी, हमें कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, हम सब एक है। जब डॉक्टर साहब को पता चला कि गांधी जी स्वयं शिविर देखने के लिए आए थे तो वे उनसे मिलने बजाजवाड़ी गए। आप कल शिविर में आए थे? मैं वहाँ नहीं था। अच्छा ही हुआ आपकी गैरहाजिरी में मुझे आपके बारे में काफी जानकारी मिली। धन्यवाद। आपका संगठन अच्छा है। आप तो पहले कांग्रेस में थे। जी। आपने वहाँ ऐसा संगठन क्यों नहीं चलाया? कांग्रेस की मनोरचना एक राजनीतिक कार्य को सफल बनाने की दृष्टि से हुई है। तो फिर स्वयं सेवक के विषय में आपकी क्या कल्पना है? देश की उन्नति के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने वाला
सभी को समान रूप से प्रेम करने वाला, और फिर इस संगठन में नेता और स्वयंसेवक ऐसा भेद नहीं है। मैं चलूं? आप अपने कार्य की अटल निष्ठा के बल पर अवश्य कामयाब होंगे। शुक्रिया, मुझे विश्वास है। जी। बाबा साहब मुझे इस अस्पताल से ले चलिए। डॉक्टर साहब बीमार थे, अस्पताल का वातावरण डॉक्टर साहब को अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने घर चलने की रट लगा रखी थी। सिविल लाइंस के श्री बाबा साहब घटाटे के बंगले पर उन्हें बुधवार दिनांक 19 जून 1940 के रात को ले जाया गया। मैंने जगा दी? नहीं, सोने दीजिए इन्हें, मैं फिर आऊंगा। कौन? सुभाष चंद्र बोस। मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने तो कहा था, तो कहने लगे डॉक्टर साहब को आराम करने दो, मैं फिर आऊंगा। व्यक्ति जो अपने देश को आजाद देखना चाहता है, दूसरे व्यक्ति के वही स्वप्न है। दोनों अपनी अपनी तौर पर अपनी स्वप्न पूर्ति के लिए जान की बाजी लड़ाए हुए हैं। नियति की नियत ही नहीं थी कि वे एक दूसरे से मिले, एक साथ कदम मिलाकर चले। मैं फिर आऊंगा कहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले तो गए, मगर वापस आते भी तो उन्हें फिर एक बार नमस्कार ही करना पड़ता, क्योंकि 21 जून 1940 सवेरे 9:25 पर डॉक्टर साहब ने हम सबको उनकी शुरू की गई जंग को आगे बढ़ाने का, अंग्रेजों से समाज को आजाद कराने का एक मंत्र देकर इस दुनिया से विदा ली। हिंदू राष्ट्र का मसीहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्र सेवा के लिए अपने परिवार व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर जन्म भर अविवाहित रहे। एक अकेले व्यक्ति ने संगठना का जो बीज बोया, उस बीज ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण किया, जिसकी शीतल घनी शांत छाया ने पूरे राष्ट्र को अपने आलिंगन में ले लिया। डॉक्टर के बताए रास्ते पर वही निष्ठा, वही प्रेम का संदेश लिए अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने संस्कृति की रक्षा करता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कारवां कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, बस चलता ही रहता है। स्वयंसेवक सदा स्वयंसेवक ही रहता है, वो कभी अपना बोझ दूसरों पर नहीं डालता,
राह में बिछे कांटों को रौंदता, दीन पीड़ितों की सहायता करता, अपनी मातृभूमि की रक्षा करता, राष्ट्र सेवा का परचम लिए कदम ब कदम बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहेगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते।